अब हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स के पार्ट 3 में आ गए और इस पार्ट में हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ हम किस किस टाइप के डेटा पे बना सकते हैं और हमें कब बनाना चाहिए एक्चुअली। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ टैबलो के क्लास में जुड़े थे तो उन लोगों को ये पता है कि हम लोग ने बार ग्राफ कब कब बनाया था। तो हम लोग अभी इसको फिर करते हैं। अब यहाँ पे फिर हम वही लिखेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT। याद रखिए यहाँ पे जो डेटा अभी हम लोग दे रहे वो डेटा हम लोग एक लिस्ट के फॉर्म में दे रहे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस हो जाएगा कि जब कभी आप आगे डेटा को रीड करेंगे तो वो डेटा आपके लिस्ट की जगह एक एक्सेल फाइल या एक CSV फाइल के थ्रू आएगा, तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग तो आप जब हम एक लिस्ट बनाते हैं तो आप याद रखिएगा कि ऐसे उसको इमेजिन कीजिए कि वो एक्सेल फाइल का एक कॉलम। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे रीजन रखा, ओके, और हमारे पास जो रीजन है वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारे चार रीजन्स का डेटा है और यहाँ पे हमने लिखी सेल्स, टोटल सेल्स। मान लीजिए ईस्ट रीजन में कुछ थी, नॉर्थ में कुछ थी, तो यहाँ पे हमारे पास टैबलो में कुछ ये वैल्यूज भी हैं। तो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल है, हम मान लेते हैं सेंट्रल नॉर्थ। तो ये कुछ इस तरीके से है, 678, 725, 391 एंड 501। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 678, 501, 729 एंड 329। अब नेसेसरली कोई मैंने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके से हमारे मान लीजिए सेल्स। अब आप लोगों को ये पता है कि जो एक्चुअल डेटा था, वो ओके, ये बार बार डेटा डिलीट करने जो एक्चुअल डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पे आपके रीजन कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, ये है रीजन और यहाँ पे हर एक सेल जो है वो एक पर्टिकुलर रो के थ्रू दिखाई गई है। तो यहाँ पे रीजन है और यहाँ पे सेल है और एक्चुअली में ये डेटा फिर समराइज होता है, राइट। समराइज का मतलब ये है कि पहले तो सारे रीजन्स का सम हो जाएगा कि साउथ में टोटल कितना हुआ, वेस्ट में टोटल कितना हुआ। तो ये एक एग्रीगेट वैल्यू है, तो वही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि हमने यहाँ पे एक एग्रीगेट वैल्यू दी। तो इस तरीके के केसेस में ही बार ग्राफ हम लोग प्रिफर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई डे जैसा डेटा नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस डे था, राइट, कि पहले दिन कितना, दूसरे दिन कितना, तीसरे दिन एंड सो ऑन। यहाँ डे जैसा डेटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज है, लाइक ईस्ट में कितना, वेस्ट में कितना, नॉर्थ में कितना, साउथ में। तो इसमें हम कंटिन्यूएशन नहीं दिखा सकते क्योंकि हर एक रीजन का डेटा अलग अलग है। अब इस चीज को समझ रहे हैं। तो लाइन ग्राफ हम लोग ज्यादातर तब बनाते हैं जब हम लोग किसी डेट की वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ये डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, या डे वीक है, क्वार्टर है, मंथ है। तो अगर ऐसा कुछ वैल्यू है तो आप लाइन ग्राफ के थ्रू उसको दिखा सकते हैं। और पर अगर आपकी वैल्यूज बिल्कुल अलग है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग
ये बना लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे plt डॉट बार, और यहाँ पे लिख देंगे रीजन को हम एक्स एक्सिस पे ले आते हैं और सेल्स को वाई एक्सिस पे। ये सबसे इजी तरीका है ग्राफ बनाने। तो ये हमारा ऐसा बार बन गया। अब सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि चारों को हम अलग अलग कलर्स के थ्रू दिखाएं, तो इसको करने के लिए आप लिखेंगे कलर इज इक्वल टू, और यहां पे हम एक फिर लिस्ट बना देते हैं। यहां लिखते आर जी वाई बी, टेस्ट करते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कलर की एक लिस्ट तैयार हो गई। तो कलर की एक लिस्ट, और जैसा मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में भी बताया, HTML कलर कोड्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लू कलर को लेते हैं। सबसे पहले उसका बिल्कुल डार्केस्ट शेड लेते हैं ये, और जिस पर्टिकुलर केस में हाईएस्ट है यानी ये, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। फिर उससे हल्का सा लाइट, और जिस पर्टिकुलर केस में उससे कम है यानी ये। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। फिर उसके बाद और उससे हल्का लाइट, और ऐसे ये हो गया हमारा जी, और फिर उसका और एक लाइटर शेड। इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो ये डेटा है वो सेल्स को ही दिखा रहा है, तो हम उसको एक कलर के शेड से भी दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली इसको करने के कई तरीके हैं, बट इस तरीके से आपको दिखेगा कि आप देख रहे हैं ना, जिस पे आप बताइए आपका फोकस किस पे जा रहा है सबसे पहले। नॉर्थ नॉर्थ पे जा रहा है, राइट। सो इस तरीके से हमें एक ऑर्डर दिख रहा है ना, ये है फिर ये है फिर ये है। ऑब्वियसली बार के साइज से भी वो ऑर्डर दिख रहा है, और इस तरीके भी। तो ये एक थोड़ा सा तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये हम लोगों का एक केस है। तो इस ये बार ग्राफ का बेसिक, इस तरीके से आप बार ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, अब बार ग्राफ में बार एच नाम का भी एक ग्राफ होता है, इसको कहते हैं बार हॉरिजॉन्टल। ओके, इसे हम पढ़ेंगे बार हॉरिजॉन्टल। तो कहीं कहीं पे ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसे कॉलम चार्ट कहते हैं, और इसे बार ग्राफ कहते हैं। हम लोग इसको बार वर्टिकल और बार हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। तो इसमें बस ये होता है कि वो हॉरिजॉन्टली दिखाई देता है बार। ये चीज क्लियर है आपको? यस अब जैसा कि हमारे इस ग्राफ में भी था, हमारे पास सेल्स की वैल्यू भी थी और प्रॉफिट की वैल्यू भी थी। लाइक हम सेल्स और प्रॉफिट को दिखा सकते हैं, तो कितनी सेल हुई तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसको ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट है, और हम लोग प्रॉफिट को जैसे लिख लेते हैं 67.8, 49.6, 78.7 और 30.9, ऐसा कुछ हमने प्रॉफिट भी लिख लिया। और हमें वो ब्लॉक रन करना जरूरी है। अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो आपको वो ब्लॉक रन करना जरूरी है, एटलीस्ट वो वेरिएबल को असाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग दो ग्राफ बनाएंगे। एक को हम कहेंगे सेल्स, और इसको हम लेबल दे देंगे सेल्स। ओके, और एक को हम लोग कहेंगे प्रॉफिट और लेबल दे देंगे प्रॉफिट। और इसके बाद हम लोग एक एक्स पोजीशन नाम का वेरिएबल भी बनाएंगे, जो अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। अभी मैं बता रहा हूँ इससे होगा क्या। सपोज
सपोज कीजिए कि मैं ये एक्सपोजिशन वाला केस नहीं लिखता हूं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो हमारा बार है वो हमारे किसके बीच में बन रहा था, रीजन कॉमा सेल्स और रीजन कॉमा प्रॉफिट, यही बनता राइट। और यहाँ पे इसको हम बंद कर देते, तो ब्रैकेट्स को ओपन करना बंद करना ध्यान रखो, और इस तरीके से ये हमारा बार बना। कैन यू सी, ये भी एक सही ग्राफ है, इसमें भी आपको सेल्स और प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है? और अभी लेकिन क्यों दिख क्यों नहीं रहा हमें, क्योंकि तो हमने पीएलटी डॉट लेजेंड को नहीं चलाया। जब आप पीएलटी डॉट लेजेंड चलाएंगे तो वो दिखेगा कि ये जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये सेल्स है, और जो ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये प्रॉफिट है। जो हम लोग का लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें भी हमने ये दिखाया था कि लेजेंड में आप लोकेशन बेस्ट लिख सकते अगर आपकी लेजेंड की लोकेशन सही नहीं आ रही, यहाँ जब सही आ रही तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे स्टैक्ड बार में देखेंगे तो ये है आपका, ठीक है? दिस इज लाइक अ स्टैक्ड बार, और यहाँ पे आपका ये जो है ये साइड बाय साइड बार, एक हो गया स्टैक्ड बार और एक होगा साइड बाय साइड बार, याद रहेगा? ठीक ये है स्टैक्ड बार। स्टैक मतलब है कि स्टैक का मतलब ये होता है ना कि एक के ऊपर एक, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स एक के ऊपर एक, राइट, कुछ इस टाइप का एक स्टैक बार है। पर हम लोग ट्राई करते हैं कि वो साइड बाय साइड बार भी बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए करें क्योंकि हम टैबलो के रेफरेंस से काम कर रहे हैं, कि बेसिकली जो जो ग्राफ, जैसे हमने पाई है, बार है, लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम है, जो जो हम टैबलो में बना सकते हैं या इवन पावर बी आई कोई अगर करा है उसमें बना सकते हैं, तो वो हम लोग मैटप्लोटलिब में भी बना सकते हैं। और अगर ये हमें आ गया तो फिर हमें बस इतना सीखना है कि डेटा को हम रीड कैसे करें और यहाँ हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि टैबलो में भी तो हम यही कर रहे थे, डेटा को रीड कर रहे थे और इस तरीके के ग्राफ्स बना रहे, राइट? और ऑब्वियसली ये उतना इजी नहीं है कि आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ग्राफ बनते जाएंगे, बट अगर आप कमांड आपका इस पे हो गया तो ये एक्चुअली ज्यादा कंट्रोल्ड तरीका है। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है जिसका नाम है नम पाई एज एन पी, ठीक है? नम पाई जैसे उसका नाम है, एक न्यूमेरिकल पाइथन की लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग जो पाइथन में एरेज होते हैं जो उनको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, और इसमें सभी तरीके के मैथमेटिकल फंक्शंस और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ एनपी डॉट लिखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट, एड, एड डॉक स्ट्रिंग, ये कितने मेथड्स हैं इनके, अपेंड है, अप्लाई ए रेंज, आर्क साइन, आर्क टैन, आर्क मैक्स, और इवन जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, लगभग हर चीज़ एवरेज, तो इसमें काफी मेथड्स हैं आप देख सकते हैं। तो नंपाई लाइब्रेरी इज लाइक एक ऐसी डिफॉल्ट लाइब्रेरी है जो हर बार हम लोग डेटा एनालिसिस करते समय इंपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं हमारा आता ही है, ठीक है? जैसे इज कॉम्प्लेक्स, इज क्लोज, इज फाइनाइट, आई साइन, इज इंफिनिटी, इज नेट, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। तो अभी हम लोग ये यहाँ पे कर रहे हैं, और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंथ एक करेंगे, रीजन जो भी हमारी कोई एक लिस्ट है, क्योंकि हमारी सारी लिस्ट जो है वो बराबर लेंथ की है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इस तरीके से एक रेंज जनरेट कर रहे हैं जिसकी लेंथ जो है आपकी आपके लिस्ट में जितनी वैल्यूज है उतनी है, यानी कि चार, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर, ओके?
मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने नंपाई को इंपोर्ट किया। ये नंपाई एक ऐसी पैकेज या लाइब्रेरी है जो पाइथन के जो न्यूमेरिकल कैपेबिलिटीज हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। इसमें हमारे पास बंच ऑफ मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस और बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग एन डायमेंशनल एरेस क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे 2D एरे बनाना है, 3D एरे, 1D एरे, इस तरीके के एरेस बना सकते हैं। और जो हम लोग आगे सीखेंगे, जैसे जैसे हम लोग का कोर्स आगे बढ़ेगा, ये सब सीखेंगे। अभी के लिए आप इसको एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि हम लोग एक एक्सपोजिशन नाम की एक ट्रिक बना रहे हैं, एक्सपोजिशन नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं किया इसने, एक रेंज बना ली। हम चाहें तो ऐसी एक लिस्ट भी बना सकते थे मैनुअली, लाइक 0, 1, 2, 3 ऐसे मैनुअली एक लिस्ट बना देते। बट यहाँ पे ये एक छोटा सा तरीका है, इसके थ्रू एक ऐसा एरे बन जाएगा। ये चीज क्लियर है आप लोग को? इसको अभी आप एज अ लिस्ट समझिए, एक लिस्ट बन गई। ओके, तो यस ये रेंज है, रेंज 0 से लेके, और ये हम लोगों ने लिस्ट वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि पाइथन की जहाँ पे भी हम बात करते हैं तो वहां पे जो लास्ट वैल्यू होती है वो नहीं आती। अगर पोजीशन 0 से शुरू हो रही तो वो नहीं आती। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक केस। और अब इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है। सबसे पहले हम लिखेंगे plt.xticks, और इसमें हम लोग x की पोजीशन और रीजन के बीच को x टिक्स अप्लाई करेंगे। ये x टिक होता क्या है, ये एक एरे लाइक पैरामीटर्स होते हैं। सो गेट और सेट द करेंट टिक लोकेशन एंड लेबल्स ऑफ द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो जैसे यहाँ पे ये आपकी पोजीशन है, राइट, तो ये एक्स पोजीशन और रीजन यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। सो ये इसका काम है, ये हमें सेट कर रहा है करेंट टिक लोकेशन एंड लेबल्स एक्स एक्सिस। और इसके बाद हमें करना है, सबसे पहले हमने एक्स पोजीशन बनाई, यानी 0, 1, 2, 3, यही इसकी इंडेक्स है। 0 पे ईस्ट है, 1 पे वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। अभी ये ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गए, स्टैक बन गई। तो हम लोगों ने क्या किया, इनकी पोजीशन से -0.2 घटाया और -0.2 बढ़ाया, इसलिए 0.2 और 0.2 की जगह हमने 0.4 विथ ले ली। आप समझ रहे हैं इस बात को, जितना हम लोगों ने बढ़ाया उसकी डबल विथ ले ली। ओके, तो जितना बढ़ाया पोजीशन को खिसकाया उतना ही घटाया, और जो इनका टोटल मैथमेटिकल सम आ रहा है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जिसे हम कहेंगे, उस उतनी विथ ले ली। और फिर हम लोगों ने एक यहाँ पे ग्राफ बना दिया। अब लेट्स सी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा साइड बाय साइड बार बन गया। आई नो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए समय लगेगा। इसको आप लोग रिवाइज भी करेंगे, बट ये है साइड बाय साइड बार। ओके, इसको हम बोलेंगे साइड बाय साइड बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा था उसमें 4 वैल्यूज थी, और आपको ये याद रखना है कि ग्राफ तभी सही से बनेगा जब आपके एक्स एक्सिस में जितनी वैल्यूज हैं उतनी ही वाई में हो, उतनी ही y2 में हो। लेट्स, यहाँ पे चारों तीनों लिस्ट में चार चार वैल्यूज। पहली ये चीज क्लियर है सबको कि द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द लिस्ट शुड बी इक्वल। अभी आप एक्सेल देखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे एक्सेल में इस कॉलम में अगर 9,995 वैल्यूज हैं तो इस कॉलम में भी 9,995 वैल्यूज हैं। ये चीज क्लियर है ना, जब जब तक जी दोनों का साइज सेम नहीं होगा, दोनों की लेंथ सेम नहीं होगी, तब तक ग्राफ बनाना मुश्किल है।
तो ये पहला केस, तो ये हो गए चार। अब इसमें हम लोगों ने एक एक्सपोजिशन नाम का लिया वेरिएबल, ये सिंपल कुछ नहीं, ये उसका इंडेक्स है 0, 1, 2 और 3, कि 0 नंबर पे ईस्ट वाला बनेगा, 1 नंबर पे वेस्ट, 2 नंबर पे नॉर्थ और साउथ। जैसे ग्राफ में भी तो ये पोजीशन है ना, जैसे लिस्ट की पोजीशन है वैसे ग्राफ के बार की भी पोजीशन वही है 0, 1, 2, 3। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो सेल्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, वो यहाँ देखिए क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सा टिक, दिख रहा है, अच्छा तो इसे एक्स टिक बोलते हैं, ये टिक है कि ये उसकी पोजीशन है, ये जो दिख रहा है आपको। तो हमें क्या करना है, हमें बस इसको, ये ग्राफ मान लीजिए मेरा टोटल, ये ग्राफ टोटल 0.4 है, चलो 4 है वहां, ठीक है। तो अगर हमारा ग्राफ टोटल 4 है और इसको हम इधर खिसका देते हैं, ऐसे इधर इसको खिसका देते हैं और इधर एक ग्राफ बनाना है, राइट, ऐसे बनाना है इसका, तो क्या वो कर रहे हैं, एक में 0.2 इधर कर दे रहे, एक में 0.2 इधर कर दे रहे, क्योंकि हमें ग्राफ की विड्थ इतनी ही रखनी है। तो यही बस यहाँ पे किया गया कि एक्स पोजीशन से एक को -0.2 खिसका दिया, एक को +0.2 खिसका दिया और इसकी ये विड्थ रखी। हम एक और ट्राई करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमें विड्थ 1 रखनी है, 1.4 की जगह 1, ऐसा कुछ ट्राई करते, हम कहते हैं इसको 0.5 फिर इसका, तो इसको 0.5, लेट्स सी कि ये बनता है कि नहीं। तो देखो ऐसा कुछ बन गया, राइट, क्योंकि ओवरऑल में 1 वो फिट नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको ये किया है 0.2, क्योंकि 4 है वो और 0.4, इसको हम लोग बाद में और अच्छे से भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा, और अगेन ये सारी चीजें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और अगर आप इसको एक भी दिन छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये सब दिमाग से उतर जाता है। तो आप लोग का काम यही है कि ऐसे लिस्ट लीजिए और लिस्ट को उसमें 5 10 वैल्यूज अपने मन से लिखिए और यहाँ से आप जनरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, जनरेट अ सैम्पल डेटा सेट विथ 3 लिस्ट हैविंग 20 वैल्यूज ईच, तो यहाँ पे इन पाइथन कर दिया, लेट्स सी ये क्या जनरेट करता है। तो देखो इसने रीजन ए और कुछ रैंडम वैल्यू ऐसा आपके लिए बना दिया, ठीक है, सेल्स प्रॉफिट डेटा, और इस टाइप से आप पूरा ये कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे लेट्स से कि इससे क्या जनरेट होता है, तो चैट जीपीटी जैसे जो हम लोग के टूल्स हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सैम्पल डेटा सेट्स को जनरेट करने के लिए, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम इसे पा सकते हैं। तो अभी देखो इसने इसको ऐसे टैबुलर टाइप का दिखाया, रीजन ABC। तो अब आप लोग का काम बनता है कि आप जो हम लोग ने ग्राफ यहाँ पे तीन तीन चार चार वैल्यूज पे बनाए, वो आप इन 5 रीजन्स के लिए बनाए। अब ऑब्वियसली उसने ABCDEFGHE तक दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया, और उसने थोड़ा सा अलग दिया कि ए के अलग अलग डेटा है, बी के अलग अलग है, तो आपको बाद में उनका सम करना पड़ेगा, बट दिस इज डेटा। सो ये वीडियो वगैरह मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा आपके साथ, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई और फिर उसे सॉल्व करें। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैटप्लॉटलिब से जुड़े और मेथड सीखेंगे और अच्छे ग्राफ्स बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।